दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 11 में और यहाँ पर एक सिद्धार्थ बुद्ध विहार है सेक्टर 11 में और यहाँ पर एक बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा में एक बौद्ध महोत्सव होता था जो 25 दिसंबर को हुआ करता था और वही 25 दिसंबर वाली टीम जो है यहाँ पर आज इसका उद्घोष कर रही है कि 25 दिसंबर को हम बौद्ध महोत्सव कैसे बनाएंगे। जी हाँ, भीम ज्ञान चर्चा बिना खर्चा, आज का उद्देश्य भी यही रहेगा कि बिना खर्चे से ही आज हम बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा और सभी लोगों से बाद करूँगा। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बौद्ध महोत्सव हम क्यों मनाएंगे। 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन बाबा साहेब ने एक कलंकित ग्रंथ को आग लगा करके हमें इस दिन को महत्वपूर्ण दिन बना दिया और उसे हमें समाज में हमें मनाने का मौका दिया, क्योंकि हमें उस समय कोई हक अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने हमें सारे हक अधिकार दे करके हमें मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के देने जीने के लिए हमें इस दिन को चुना और हम उस दिन से आज तक जितने भी बौद्ध संप्रदाय के या जितने भी लोग हैं इस देश में, जो इस देश की मूल निवासी है या देश की जो 85% आबादी है, वो इस दिन को बहुत बड़े दिन के रूप में सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल, बहुत बड़े दिन के इस दिन में ये सेलिब्रेट करती है और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस दिन को बड़े दिन के उससे मानते हैं। क्या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो भी इसी को मानना शुरू करेंगे? जी, हम लोग तो बौद्ध महोत्सव के रूप में से मनाते हैं जी। 25 दिसंबर सन 1927 से लेकर के आज तक बाद के जितने भी सन आए हैं उसमें 25 दिसंबर को हम लोग बौद्ध महोत्सव के रूप में बिल्कुल 25 दिसंबर को ही बौद्ध महोत्सव मनाते हैं और यहाँ की पूरी टीम जो है वो 25 तारीख को ही ग्रेटर नोएडा में बहुत भव्य कार्यक्रम करते थे। क्या इस बार वो भव्य कार्यक्रम नहीं होगा? इस बार वो भव्य कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि COVID-19 का हम लोग पालन कर रहे हैं। सरकार की जो COVID-19 के लिए इंस्ट्रक्शन है उनको हम पालन कर रहे हैं, तो हम इस बार घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। सभी लोग, हमारे जितने भी लोग हैं बौद्ध अनुयायी, वो अपने घरों पे बौद्ध महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। क्या क्या सेलिब्रेशन आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं सेलिब्रेशन का 25 तारीख का, क्या वो पूरे देश में पहुँच पाएगा? हाँ, ये पूरे देश में पहुँचेगा क्योंकि हम इसको डोर टू डोर मनाने का अपना प्रयास जारी किए हुए हैं और इसमें हमारी टीम लोगों के पास जाएगी और लोगों को प्रकाशित अपने अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करेगी और घर में उत्सव की तरह से इस त्यौहार को मनाने के का प्रयास करेगी। बिल्कुल, मनुस्मृति जलाने, बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और वो बहुत बड़ा दिन था। क्या इस बड़े दिन को हम सारे देशवासियों को मनाना चाहिए या सिर्फ एक कम्युनिटी को मनाना चाहिए? सर, अच्छी बात तो सबके लिए है जी, और ये कम्युनिटी के लिए कार्य नहीं था बाबा साहब का, ये देश के लिए कार्य था जी। बाबा साहब ने भारत से विषमता को समाप्त किया, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके संविधान के निर्माण की नींव डाली, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अन्याय अत्याचार को हटा करके उन्होंने मैत्री और करुणा के भाव का आरोपण किया जी। और देश की तरक्की में उनका अमूल्य योगदान है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का है, वो बाबा साहब का आदर जरूर करता है। बाबा साहब का आदर इसलिए किया जाता है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं जी। उन अच्छे कार्यों में से एक ये है कि बाबा साहब ने एक ऐसी विधि को आग लगाई जो असमानता को आरोपित करती थी, तो भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और पूरा देश बौद्ध महोत्सव की खुशी मनाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पूरा देश बौद्ध महोत्सव की खुशी मनाएगा। मैं सूरजपाल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको सेलिब्रेशन, इस उत्सव को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम इसको आपसी भाईचारे से, सफ़ेद ड्रेस से, खान पकवान से, स्वीट से और सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देकर, समानता की बातें कहकर, समानता का सम्मान करके, जो बाबा साहब की मूल बात थी, और इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को असमानता की उस ग्रंथ को नष्ट किया था और समानता की बातें आगे बढ़ाई थी, तो हम सबके लिए बराबर समानता का मान रख के, सम्मान रख के इसको मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल समानता के रूप में मनाएंगे। और आप ये भी कह रहे हैं, अभी आपकी जो PC हुई थी उसमें आपने ये भी बताया कि सभी लोग जो हैं वो श्वेत कपड़े पहनेंगे, ऐसा क्यों?
श्वेत वस्त्र जो है पहले एक तो समानता के प्रतीक है, दूसरे स्वच्छता के प्रतीक है, और तीसरा ये हमारा बुद्ध धर्म के को ख़त्म होने के बाद जब लोगों ने बदला, जो कहते हैं कबीरपंथी लोग हैं, कबीरपंथी लोग जो बौद्धिष्टी थे लेकिन वो बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, और वही जो है परंपरा अभी तक चली आई, हमें भी उसी रूप में उसको लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, आप युवा हैं और युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, आपने क्या प्लानिंग की हुई है? देखिए, सबसे पहले बौद्ध महोत्सव की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। युवाओं के लिए खासकर ये बात है कि जो भी युवा हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में, तथागत बुद्ध में जिनकी आस्था है, वो लोग गांव में जो उनके सामुदायिक भवन हैं उनको वो साफ करें, सुथरा करें, उनकी उन पे लड़ियां झालर लगा के दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि अगले गाँव में भी लोग ऐसा ही करें। और युवा बहुत महत्वपूर्ण इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं से ही आज प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा युवाओं से यही अनुरोध है कि वो अपने घर के साथ साथ जो सामुदायिक भवन हैं या जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, बुद्ध विहार हैं, उनको अच्छे से साफ सुथरा करें, पेंटिंग करें, जितना वो अधिक से अधिक उनको अच्छा कर सकते हैं वो अपना प्रयास करें, और अपने गाँव के साथ साथ दूसरे गाँव में जाके भी लोगों को बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए, घर घर दीप जलाने के लिए, घर में पकवान पकौड़े बनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक गांव तक पहुँच। मैं एक चीज़ और एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि कितने देश कितने शहरों में आप ये प्रचार प्रसार अपनी टीम के माध्यम से कर रहे हैं, फिजिकल, ना कि सोशल मीडिया? जी, अभी हमने 21 जिलों की सूची जारी की है, 21 जिलों में फिजिकली हमारी टीम पहुँचेगी प्रचार प्रसार के लिए, और इसके अलावा पूरे देश में जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी रहते हैं वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, और ख़ासकर 3-4-5 जिले हैं जिनमें बड़ी तादाद में लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, संभल है, अलीगढ़ है, मथुरा है, इटावा है, कानपुर है, इन सभी जिलों में प्रमुख रूप से यह सेलिब्रेशन होगा। और इसमें जो पिछली साल कार्यक्रम हुआ बौद्ध महोत्सव का, हर साल जो होता था, सबको यही संदेश है कि इस साल कोविड के चलते वो नहीं हो पाया, तो इस बार हमारे पास पूरा मौका है कि हम इन दिनों का सही इस्तेमाल करें और इस उत्सव को घर घर में बहुत ही मजबूत तैयारियों के साथ मनाएं। बिल्कुल, आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और काम भी वहीं करते हैं, और आपका लोगों के लिए सजावट का काम बहुत अच्छा है, क्या आप भी अपने गली मोहल्ले को अपने स्तर पर किस तरीके से सजाएंगे सर? जी बिल्कुल, सभी को बौद्ध महोत्सव की और बौद्ध महोत्सव के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जब हम लोग अपने गली मोहल्लों में सजावट करेंगे तो वहाँ पर बिजली की लड़ियाँ और दीप इस तरीके से जलाएं कि लोगों को लगे कि ये महोत्सव इस देश का सबसे बड़ा महोत्सव है जी। तो इसमें हम बढ़ चढ़ कर, पूरी टीम भी काम कर रही है, और हम गांव-गांव मैसेज देने का भी कार्य कर रहे हैं, और ख़ासकर जहां हम लोग रहते हैं, जिन जिन जगह पर हम लोग सभी रहते हैं, वहां पर तो हम इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे कि वहां के लोगों को भी लगे, आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको लगे, जो इसको नहीं सेलिब्रेट करते हैं उनको भी ये उत्सव मनाने का मन करे। बिल्कुल, मैं एक चीज़ और पीछे पूछ रहा था कि क्या हम सभी देशवासियों को ये मनाना चाहिए या सिर्फ एक विशेष जाति को मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और मनुस्मृति में महिलाओं के हक अधिकार सबसे ज़्यादा जो उनको नहीं मिलते थे वो जलाए गए थे, तो क्या महिलाओं को सबसे ज़्यादा मनाना चाहिए ये दिन? जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सभी लोगों को बौद्ध महोत्सव बनाना चाहिए, विशेष तौर से महिलाओं को भी बनाना चाहिए जी। बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया जी। भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि हम इसको एक बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाएं जी। और भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन ने इसको बौद्ध महोत्सव के रूप में स्थापित किया। पिछले 5 सालों से हम इसको बहुत ही ज़ोर शोर से मना रहे थे, लेकिन अब की बार कोविड महामारी के चलते हुए हमको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने एक मीटिंग आयोजित की और ये निर्णय लिया कि हम इसको समाप्त नहीं होने देंगे और पूरे भारतवर्ष में इसको स्थापित करके स्थापित करने का निर्णय लिया। इन्हीं बातों के चलते हुए कमेटी बुलाई गई, निर्णय लिया गया, और हमने कोविड महामारी के चलते हुए लगभग 22 जिलों में फिजिकली और वहाँ पर कमेटियाँ बनाकर कोविड महामारी, स्टाफ के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको मनाने का निर्णय लिया है। हम इस उत्सव को पूरे भारतवर्ष में
भीम ज्ञान चर्चा ये निर्णय निश्चित करती है कि बौद्ध महोत्सव को हम पूरे भारतवर्ष में स्थापित करके सांस लेंगे। बिल्कुल स्थापित करेंगे सर। जैसे दीप दानो उत्सव आया था, क्या उसी तरीके से हम दीप जला करके इस उत्सव को 25 दिसंबर को मनाएं सारे देशवासी? जय भीम नव बुद्धाय। हम सबको ऐसे दीप जला करके ही इसका उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि दीप से दीप जलाने का मतलब हम ज्ञान बांट रहे हैं। हम ज्ञान बांटने का काम करेंगे दीप जला करके, और जिससे कि सब लोगों को ये पता चले कि भाई बौद्ध लोग इस तरह से ज्ञान का प्रतीक हैं और ज्ञान को प्रसारण करते हैं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। बिल्कुल उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि भीम ज्ञान चर्चा जो है वो फिर से बौद्ध महोत्सव मना रही है और 25 दिसंबर को ये बौद्ध महोत्सव हो रहा है। मैं आपके साथ कई बार गाड़ियों में भी घुमाऊँ, कई गाँव में भी घुमाऊँ, क्या इस बार भी आपकी गाड़ी और आप भी घूमेंगे इस प्रचार प्रसार के लिए, या कोविड के चलते हुए आप अपने घरों में रहेंगे? नहीं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और सभी देशवासियों को बौद्ध महोत्सव की शुभकामनाएं। इस बार हमने 21 जिलों में अपनी टीम बनाई है और हमने अपनी टीम को सभी को गाड़ी अवॉइड है और सभी लोग अपने टीम के साथ में निकलेंगे, घर नहीं रहेंगे और सबको समझाएंगे किस तरह से हमको ये मनाना है। पहले हमारा मंच का प्रोग्राम होता था, इस बार हमने सभी जिलों में इसको मनाने का तरीका बताया है। हम जितने भी हमारे बाबा साहब के स्थल हैं और हमारे जो भी बहुजन समाज के स्थल हैं उन पर दीप जलाना, कैंडल जलाना, लड़िया जलाना और पकवान पकौड़े बनवाना, ये सभी चीज़ हमने उसमें डाली हैं समझाने के लिए। और पहले तो हमारा इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में ही हमारा स्टेज का काम प्रोग्राम होता था, इस बार हमने 21 जिलों में इस प्रोग्राम को बनाने की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी ली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बौद्ध महोत्सव है, ये वही बौद्ध महोत्सव है जो 5 बार आप लोग ग्रेटर नोएडा में इस उत्सव को मना चुके हैं और ग्रेटर नोएडा की जान है ये प्रोग्राम। और आप देख सकते हैं कि इस बार ये घर घर दीप जलाएं, बौद्ध महोत्सव मनाएं। जी हाँ, ये आज का स्लोगन है कि घर घर दीप जलाएं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम दीप दानों उत्सव मनाते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर में मिठाइयाँ बाँटते हैं, अपने घर में लड़ियाँ लगाते हैं और लोगों को कुछ दान भी देते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाते हैं, घर परिवार में मिठाइयाँ बाँटते हैं, ऐसे ही जैसे कि हम दीप दानों उत्सव मनाते थे इसी तरीके से हमें बौद्ध महोत्सव भी बनाना है। ये सबसे बड़ा दिन है। 1927 में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और ये दहन जो है वो आज हमारे लिए ये अच्छा साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भारत का संविधान बना हुआ है और हर एक व्यक्ति को उसके हक अधिकार मिले हुए हैं। आगे मैं सूरज पाल जी से एक बार और बात करना चाहूँगा। मैं अभी सूरज पाल जी से बात करने के लिए कह रहा था, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम की क्या क्या विशेषताएँ रहेंगी, इस प्रोग्राम की विशेषताएँ प्लस लोगों को क्या गाइडलाइंस हैं इस प्रोग्राम के। सर, लोगों को जो गाइडलाइन है, पहली गाइडलाइन ये है कि वो कोविड का पालन करें, जो सरकार के नियम निर्देश हैं उनका पूरा पालन करें। और इसके संबंध में दूसरी बात ये है कि अपने घरों की साफ सफाई करें, अपने घरों को बेहतर ढंग से सजाएं, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, घर में जितना संभव हो सके उतना अच्छे पकवान बनाएं, स्वयं खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने पड़ोसियों को जो है उनको भी शेयर करें। अपने घर में 4 दिन 5 दिन पहले से महिलाएं गीत और संगीत में रुचि लें, महापुरुषों के यशोगान में वो लोक गीत को महत्व दें। हालांकि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं इस दौर में, मीडिया के दौर में, अब वो आपको मीडिया में भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करना चाहिए। और ख़ासकर मैं अपने जो हमारे साथी जो थोड़े सक्षम हैं उनसे निवेदन ये रहेगा कि वो अगर गांव में कोई एक या दो व्यक्ति जागरूक हैं, सक्षम हैं, तो उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो अपने गांव समाज के लिए अधिकांश लोगों के लिए दीपकों की व्यवस्था करें जी। वो कैंडल्स की व्यवस्था करें, कमेटी बना करके भी अगर ये कार्य कर सकते हैं तो कमेटी बना करके करें, अगर अकेले कर सकते हैं अपने पॉकेट से तो अपने पॉकेट से करें। कोई भी व्यक्ति, कोई परिवार बिना दीपक के, बिना कैंडल के नहीं रहना चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसी में कि जैसा आपका मंच का प्रोग्राम होता था, क्या इस बार छोटा सा भी नहीं होगा? सर, मंच का देखिए, मंच का एक नहीं 1000 प्रोग्राम मंच के होने हैं जी, लेकिन हम उनका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सरकारी नियमों का उल्लंघन होगा जी कोविड के चलते हुए।
अगर हम कहीं अनाउंसमेंट कर देते हैं कि फलां जगह कार्यक्रम है तो हम लोगों को रोकना हमको मुश्किल हो जाएगा, लोग अपनी रुचि से आएंगे, लोगों पे खामोखाई सरकारी चाबुक चलेगा, हम ये नहीं चाहते जी जी। तो इसलिए अगर कार्यक्रम हमारे आपने देखने हैं तो प्रत्येक ज़िले में जो हमारे बुद्ध विहार हैं आप 24 तारीख में 23 तारीख में ही हमारे बुद्ध विहारों की छटा देख सकते हैं जी। नोएडा में आप हैं, ये यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध विहार है जी। ये सेक्टर 11 में है, मोरना में है, राहुल बुद्ध विहार है, ऐसे ही हमारे ग्रेट नोएडा में, दादरी में और कई जगह बुद्ध विहार हैं। बुलंदशहर में जाओगे सुनहरा बुद्ध विहार है, अलीगढ़ में जाओगे बोरना बुद्ध विहार है, इसके अलावा और कई स्थापित बुद्ध विहार हैं। प्रत्येक ज़िले में कोई ना कोई बुद्ध विहार है, गाजियाबाद में वसुंधरा में बुद्ध विहार है और इसके अलावा सेक्टर 23 में बुद्ध विहार है, दिल्ली माने को बुद्ध विहार है। ये सभी बुद्ध विहारों पर कोई ना कोई आयोजन ज़रूर होगा, सेलिब्रिटी भी आएंगे। अभी मैं आपको बताऊँ, पीछे जो हमारे गायक रहे हरियाणा के लोकप्रिय गायक जिन्होंने वो गाया मंजीत मेहरा, जिनका बहुत लोकप्रिय गीत है, मंजीत मेहरा जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो भीम ज्ञान चर्चा मिशन की टीम के साथ में बौद्ध महोत्सव की खुशी सेलिब्रेट करना चाहेंगे जी। तो न केवल मंजीत मेहरा जी की ये आवाज़ है बल्कि जितने भी हमारे प्रखर जो गायक हैं, उभरते हुए सितारे हैं, वो आपको 25 दिसंबर के दिन अपनी लोकेलिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बुद्ध विहार में होने वाले कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे जी। तो इस तरीके से अगर आप हमारे कार्यक्रमों की संख्या गिनोगे तो ये कई हजार में निकल जाएगी। ये कार्यक्रम छोटा नहीं हो रहा, कई गुना बड़ा हो गया है। बिल्कुल, यानी कि आज एक प्रोग्राम नहीं हो रहा 25 तारीख को, अब एक की जगह हजारों प्रोग्राम हो रहे हैं और कोविड की वजह से हम एक मंच नहीं लगा पा रहे पर हजार मंच लगा रहे हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। मैं बुलंदशहर से हूँ और बुलंदशहर में जैसा भी बताया भाई साहब ने, वहाँ संगदीप बौद्ध विहार सुनहरा, उसको जो है पूरी सजावट उसमें की जाएगी, 3 दिन पहले से वहाँ सजावट की जाएगी, वहाँ को झालरें लगाई जाएंगी। उसके अलावा बुलंदशहर ज़िले में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, जितने ब्लॉकों पर हैं, वहाँ पर टीम बना दी गई हैं, उन टीमों के द्वारा वहाँ पर मोमबत्तियाँ लगेंगी, वहाँ पर दीप जलेंगे, बहुत बड़े रूप में ये बौद्ध महोत्सव वहाँ पर बुलंदशहर में मनाया जाएगा। इसी तरीके से आगे आप चलेंगे संभल में मनाया जाएगा, मुरादाबाद में मनाया जाएगा, जितने भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रयास ये पहले से और ज़्यादा बड़े रूप में है, क्योंकि गांव-गांव में ये प्रचारित और ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि आपका जो उत्सव है बौद्ध महोत्सव है, आप इस पर मिठाइयाँ बांटिए, अच्छे वस्त्र पहनिए और सुबह सुबह 25 दिसंबर को आप बुद्ध वंदना कीजिए और अपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटिए। तो एक बड़े रूप में एक पारंपरिक बौद्ध महोत्सव, क्योंकि इससे जो महापुरुष हैं, जो बहुजन महापुरुष हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो कल्पना थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था 1935 में, ये कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मर ना सकूं ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था और उसी बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने उस बौद्ध धर्म को जीवित किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको भीम ज्ञान चर्चा मिशन जो है ये काम कर रही है, ताकि जो बाबा साहब का सपना है, बौद्ध में भारत का सपना है, वो कहीं ना कहीं साकार हो। और इस साकार करने में जितने धर्म अनुयायी जो यूटीवी के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने घरों पे, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो हैं 25 दिसंबर के दिन कम से कम अपने घरों पे दीप जरूर जलाएं, लोगों को पता लगे, मोमबत्तियाँ जलाएं, क्योंकि अगर वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जो अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बाबा साहब जो चाहते थे, उनकी जो अंतिम इच्छा थी, उनकी अंतिम इच्छा बौद्ध में भारत बनाने की थी, और बौद्ध में भारत बनाने के लिए सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी बहुजन जो महापुरुषों को मानने वाले हैं, तो उनको ये प्रयास करना होगा। जो ये भीम ज्ञान चर्चा इस मुहिम को लेकर चली है, वो उस मुहिम भीम ज्ञान चर्चा की नहीं, आप सबकी मुहिम है, उस मुहिम को बढ़ाने के लिए, बौद्ध में भारत बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बाबा साहब थे, बाबा साहब ने इतनी किताबों का संग्रह इकट्ठा किया, इतने विद्वान थे, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इसलिए सभी बौद्ध अनुयायियों से, अम्बेडकरवादी अनुयायियों से मेरी दरख्वास्त है, भीम ज्ञान चर्चा मिशन की दरख्वास्त है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए बौद्ध महोत्सव बनाएं, पारंपरिक बौद्ध महोत्सव बनाएं, 25 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें जी। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें और 25 दिसंबर को एक ऐतिहासिक दिन ये फिर से बनाने की एक मुहिम छेड़ी हुई है। सर, मेरे साथ श्रीपाल जी भी हैं। सर, कितने लोगों को मिठाई बांट रहे हो और कितने लोगों को कैंडल बांट रहे हो आप? देखिए,
हम तो खैर बहुत व्यस्त रहेंगे, मैं अपने गांव में कोशिश करूंगा कि अपने जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या बौद्धिस्ट लोग हैं, मैं उनको जो है दीपक मतलब जो दीवला होता है और जो कैंडल्स बांटने का काम करूं, और जो सामग्री यहां से भीम ज्ञान चर्चा टीम हमारे तक पहुंचा रही है उन कैंडल, वो जो हमारे यहां जो पंपलैंड है और जो एक इन्होंने कैलेंडर तैयार करा है, उस कैलेंडर को हम घर घर तक पहुँचाएँ, और बाकी हम अपने से जितना भी हो सकेगा वहाँ पर 10-20-50 किलो मिठाई बांटने का काम करेंगे, और हर गांव में लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो भी जो अपने किसी बुद्ध विहार पे या अंबेडकर भवन पर मिठाई वितरण का काम करें। हम बुलंदशहर पे हमारी टीम प्रदीप कुमार जी और हमारी जो पूरी भीम ज्ञान चर्चा टीम बुलंदशहर पे, वहाँ पर जो एक बुद्ध विहार है, वहाँ पर संगदीप बुद्ध विहार है, वहाँ उसको सजा कर और बहुत अच्छे तरीके से सजा कर वहाँ पर हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम के बाद वहाँ भी मिठाई वितरण होगी। वहाँ पर जो भी लोकल के जितने भी बुलंदशहर ज़िले के लोग आ सकते हैं उन्हें सब हम बुलाने का प्रयास करेंगे, और वहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे बहुत महोत्सव मनाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम मिठाई बांटेंगे। इस तरीके से हर गांव में मिठाई बांटी जाएगी, हर अंबेडकर भवन पर मिठाई बांटी जाएगी, हर बौद्ध विहार पर मिठाई बांटी जाएगी, और हर घर में मिठाई बनाई भी जाएगी और वहाँ पर पड़ोसियों को वितरण भी की जाएगी। तो इसका कोई भी एक आंकलन नहीं किया जा सकता, इसको किलो में कुंटलों में नहीं बताया जा सकता वो कितने कुंटल हो सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये मिठाइयों का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में मिठाइयों का वितरण किया जाएगा, और सबसे बड़ी मिठाई तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमें दे के चले गए 1927 में मनुस्मृति जला करके। वो मनुस्मृति इसीलिए जलाई गई थी क्योंकि उसमें कुछ ही लोगों के हक अधिकारों का फ़ायदा हो रहा था और बाकी के देशवासियों का फ़ायदा नहीं था, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बना करके पूरे देश को एक मानवता का और एक समान होने का मूल मंत्र संविधान के अनुसार दिया। बहुत देर से एक दिमाग में बात आ रही है कि मिठाई बांटें जी, कितनी मिठाई आप बांट रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मिठाई तो ये है कि महापुरुषों के चित्र लोगों के घरों तक जाएं जी। ये मिठाई मिलने की और ये मिठाई देने की शुरुआत हो गई है जी। हमारे इस भीम ज्ञान चर्चा मिशन के थैले में 15,000 कैलेंडर अभी तक आ चुके हैं जी। ये कैलेंडर 2021 का जो कैलेंडर है वो 15,000 कैलेंडर अभी तक हमारे थैले में आ चुके हैं। वो कोई कॉस्ट है उसकी? कोई हाँ, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? जी जी जी, नहीं, उसकी कॉस्ट पे की जा चुकी है किसी, यानी लोगों को वो फ्री मिलेंगे? लोगों को फ्री मिलेंगे जी। हमारे थ्रू जो कैलेंडर जाएगा उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा 25 दिसंबर का जी। जो पंसील का फ्लैग होगा उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा 25 दिसंबर की मिठाई होगी हमारी तरफ से। और जिनके पास कैंडल नहीं है उनको कैंडल आप प्रोवाइड कराएंगे? कैंडल का ये जो साथी कैंडल खरीद सकते हैं वो कैंडल खरीद के लगाएंगे, जो दीपक खरीदेंगे खरीद के लगाएंगे, लेकिन अधिकांश गाँव में हमारी ये अपील है और हमारे यहाँ तक कार्यकर्ता फैले हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि वो सामूहिक रूप से छोटी छोटी जो धनराशि कलेक्ट करके आपस में कंट्रीब्यूट करके वो कैंडल्स और दिए का इंतजाम करेंगे, कैलेंडर और झंडा हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, और ये प्रत्येक फैमिली को पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, झंडा और कैलेंडर प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट मिलेगा जहां जहां तक भी ये पहुंच सकेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूं कि अभी सूरजपाल जी ने और हमारे एडवोकेट साहब ने ये कहा कि हम घर घर दीप और दिए पहुंचाएंगे। शायद हम बाबा साहब की वजह से आज इतने तो सक्षम हो चुके हैं कि 10 रुपये की कैंडल और 10 रुपये के हम दिए खरीद सकते हैं, शायद हमें कहीं से किसी के लिए मांगना ना पड़े। और मेरी आपसे एक दरख्वास्त भी यह है कि आप सब लोग 10-10 रुपये की अगर मोमबत्ती भी खरीद के अपने घर में लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, और बाबा साहब ने आज इस लायक हमें बना दिया है कि हम 10 रुपये की कैंडल और 10 रुपये के दिए खरीद सकते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, नोएडा से। प्रदीप कुमार अशोक, एडवोकेट बुलंदशहर। संतराम भारती, एडवोकेट नोएडा। आर एल आनंद, नोएडा। चंद्रपाल गौतम, नोएडा। श्रीपाल सागर, बुलंदशहर। लेखरा सिंह बौद्ध, गाजियाबाद। सूरजपाल राक्षस, एडवोकेट नोएडा। मीर सिंह हरित, ग्रेटर नोएडा। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली। नरेश गौतम, नोएडा। विनोद बौद्ध, ग्रेटर नोएडा। चंद्रशेखर सम्यक, गाजियाबाद। जी विद्या कुंडली। रामनारायण बौद्ध, गाजियाबाद। एस पी आनंद, गाजियाबाद। किशन भारती, नोएडा। बबलू जाटा, बुलंदशहर।